तो उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, उनकी एक जैसे आपके यहाँ समितियाँ बनी हैं अलग अलग कार्यों के लिए, तो उसकी एक छोटी मोटी समिति बनाई जा सकती है 3 आदमी की 5 आदमी की, तो इस ढंग से भी उसका काम जो है अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि अभी 1 साल 2 साल पहले भट्टारक जी हैं श्रवण बेलगोला के, उन्होंने जो है एक बार हम लोगों की कोई टीम गई थी वहाँ पर, तो उन्होंने विशेष रूप से ये बात बताई। अब इस बात पर थोड़ा सा उनसे भी डिस्कशन करने की ज़रूरत है और हम कुछ सोच सकते हैं उस दिशा में। उन्होंने कहा कि जो हमारे आचार्य कुंद कुंद थे, वो आचार्य कुंद कुंद का संबंध ये रामटेक क्षेत्र से आता है। जैसे यहाँ पर शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, राम टेकड़ी है, राम टेकड़ी का संबंध अथवा रामटेक क्षेत्र का संबंध आचार्य कुंद कुंद से आता है। ऐसा लगता है कि आज से 2000 साल पहले उनका कोई चातुर्मास यहाँ हुआ हो या उनका जो बिहार क्षेत्र में कभी ये आया हो, तो उन्होंने ये बात की तरफ इशारा किया। तो मैं हमारे यहाँ के ज्ञानायतन के ट्रस्टियों से भी निवेदन करता हूँ कि हमको कोई उनके स्मारक के रूप में, कुंद कुंद के स्मारक के रूप में जो अपन ज्ञानायतन क्षेत्र बना रहे हैं वहाँ भी कुछ काम करें, और आप लोग रामटेक क्षेत्र में भी यदि इस दिशा में कुछ आचार्य श्री से मंतव्य ले लें और जो आचार्य किसी भी मंतव्य ले सकते हैं। और एकाद कोई प्रमाण मुझे जयपुर के एक कस्तूरचंद जी कासलीवाल थे, बड़े बड़े विद्वान थे, इतिहासकार थे, उन्होंने भी अपनी किताब में इस बात का उल्लेख किया है कि आचार्य कुंद कुंद का संबंध रामटेक क्षेत्र से था। अब कौन सा रामटेक हो सकता है, रामटेक भी 2-3 है ना शायद पूरे देश में, तो फिर जो है उन्होंने रामटेक का उल्लेख किया है, तो उससे जो है कोई हम इस दिशा में भी कार्य सोच सकते हैं। और जो जैसा कि कहा कि भाई देखो हमारे आपके जो है कुछ छोटे मोटे मतभेद हैं धार्मिक दृष्टि से कह लें या तत्व ज्ञान के क्षेत्र में कह लें, लेकिन वो मतभेद जो हैं वो 2% नहीं होंगे, 5% नहीं होंगे। आचार्य श्री ने मेरे से खुद कहा था एक बार कि हमारे आपके मतभेद 5% हैं, 95% में तो हम लोग एक मत हैं, तो जो है उन 95% पर हम ध्यान दे दें, 5% को कौन करे, मतलब ना हम आपके साथ में कोई ज़बरदस्ती करें ना आप हमारे साथ में कोई ज़बरदस्ती करो, लेकिन सहज रूप से जो हम आप जिन मामलों में सहमत हैं उन क्षेत्रों में यदि हम मिलकर के कोई काम करें तो इसमें कोई ना आपको आपत्ति हो सकती है ना हमको आपत्ति हो सकती है, और जो है वो काम किए जा सकते हैं। जो भी काम होगा हमारे मतभेद भी यही रह जाएंगे, लेकिन जो काम हो जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए वो रह जाएगा। इस दृष्टि से जो है उनको समाज के लिए तो काम अवश्य करना ही चाहिए। और इन इन बात कह कर के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय जय आप सभी। अंत में अध्यक्ष महोदय श्री सतीश भैया। आदरणीय मंच, सम्मानीय सदन, सभी को सादर जय जय। मैं ये अपने श्री युवा साथी जो सब उमंग से भरे सभी प्रश्नों का बहुत हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। धन्यवाद। भैया और भी कोई और किसी को कुछ बोलना हो तो आप चलो। आप सब लोग यहाँ पर हमारे आमंत्रण पर पधारे, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत एक मिनट अरे प्लास्टिक को कहाँ कुछ धन्यवाद देना भूल गया आपको। आगामी 27 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक के हम लोग अष्टांग पर्व में श्री सिद्ध चित्र महामंडल विधान करने जा रहे हैं। ब्रह्मचारी वाहनचार्य अभिनंदन भैया भोपाल जी का के पालासन है, तो आप सभी का उनका सहयोग रहेगा। और वैसे भी कुछ नहीं इंतजार करने की इच्छा हो तो सभी कुल महावीर भगवान दो एकदम चेक ही कर लिया जाएगा।
पढ़ के निकला।